आगे बढ़ेंगे खबर उज्जैन से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जैन का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। सुबह 6 बजे आरडी गार्डी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जैन का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जैन का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। सुबह 6 बजे आरडी गार्डी अस्पताल में अंतिम सांस ली। और इधर बाबूलाल जैन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि दी है। दशहरा मैदान स्थित निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जैन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली। सुबह 6 बजे उनका निधन हो गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दशहरा मैदान स्थित निवास पर उनके पहुंचे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को ढांढस बंधाया। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक पारस जैन भी उनके साथ मौजूद रहे। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दशहरा मैदान स्थित निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।